मैं धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करने वाले हैं, उसके जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं। डिस सॉल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा जर्नल एंट्रीज कई बार आ जाती है और इसकी कई बार लोगों को दिक्कत आती है जर्नल एंट्री करने में। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिस सॉल्यूशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। इसको टॉपिक का कंसेप्ट बिल्कुल आज की वीडियो में आपसे क्लियर हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने बेसिक जर्नल एंट्रीज की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देखो होता क्या है कि बहुत बार जब भी हम डिस सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, कोर्ट के लीगल खर्चे होते हैं, लीगल फीस देनी पड़ती है कई बार। तो वो सारे खर्चे, एसेट बिकवाने, लाइबिलिटी को पे करने, डिस सॉल्यूशन करने का कोई भी खर्चा है, वो सब इस कैटेगरी में आएगा। ये खर्चे हम दो तरीके से समझेंगे, बोन या फिर बियर एंड पेड। ये जो खर्चे होते हैं, ये बोन का मतलब पहले क्या है कि कौन इसको पे करेगा। ठीक है, कौन इसको पे करेगा, दैट इज बोन। बोन का मतलब किसके ऊपर जिम्मेदारी थी ये पे करने की। कई बार क्या होता है कि इसकी फर्म की जिम्मेदारी होती है, कई बार पार्टनर की जिम्मेदारी होती है पे करने की। अगर कुछ ना लिखा हो तो फर्म की जिम्मेदारी होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की। ठीक है, अगर कुछ ना लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं, इसके बारे में नहीं पता कि कौन पे करेगा, तो फर्म ही पे करेगी, फर्म को ही पे करना था, यही मान के चलना है। यानी कि एक होता है किसको पे करना था, एक होता है पे किसने किया है। फॉर एग्जांपल फर्म को पे करना था, पे पार्टनर ने कर दिया है ना, तो ये इसकी एंट्री क्या होगी। या फर्म को पे करना था, फर्म ने ही पे कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहला वो क्या समझ में आया कि इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं पता, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं, कुछ नहीं पता किसको पे करने थे, तो फर्म को ही पे करने थे, यही मान के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे मान के चलना पड़ेगा, बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। अगर कुछ नहीं पता इन दोनों चीज़ों के बारे में कि किसने बोन करने थे, किसने पे करने थे, तो यही मांग चलना पड़ेगा कि भाई फर्म ने बोन करना था, फर्म ने पे करने थे। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, फर्म को बोन करना था या तो पार्टनर को बोन करना था। यहाँ भी दो केस हो सकते हैं, फर्म ने पे किया है या पार्टनर ने किया। इनके कई सारे केस निकल के आ सकते हैं। देखो सबसे पहला हो सकता है केस, बोन बाय फर्म, पहला केस। ठीक है, बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, यानी कि फर्म को पे करना था और फर्म ने ही पे कर दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अगर फर्म को पे करना था, हमेशा ध्यान रखना, वो फर्म जब भी पे करेगी तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ना रखा था कि जो भी खर्चा रियलाइजेशन का होगा, या रियलाइजेशन का मतलब क्या था, एसेट को बेचने या लाइबिलिटी को पे करना है, उसका खर्चा कहाँ से लेंगे, उसी अकाउंट से लूँगा जो अकाउंट बना रखा है एसेट बेचने के लिए, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर फर्म को पे करना था तो फर्म अपना खर्चा कहाँ से पे करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट से पे करेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट को पे करने के लिए, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट से पे करने के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी। जैसे कोई भी लाइबिलिटी को पे करते हैं तो क्या करते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, ऐसे ही रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूंगा। उसके बाद अगर पे भी फर्म ने किया है तो फर्म का बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कम हो गया, तो टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो ये एंट्री होती है जब फर्म ने पे करा एंड फर्म को ही पे करना था। ठीक है, सो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। अब मेरी बात ध्यान से मानना, एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन में कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म, इसके बारे में जानकारी नहीं देता कि पे किसने किया था,
तो आपको यही मान के चलना है कि पे भी फॉर्म लेकर आओ। ये मैंने क्या बताया कि कुछ नहीं पता है, तो बोन को भी यही मान, अगर बोन के बारे में कुछ नहीं पता तो भी फॉर्म ने बोन करना, तो यही मान के चलना है। पे के बारे में कुछ नहीं पता तो भी आपको ये मान चलना है कि पे भी फॉर्म नहीं कर दिया होगा। यानी कि अगर सिर्फ ये लिखा होता तो मैं यही मान के चलता फेम फॉर्म नहीं पे किया होगा। तो पहला केस समझ में आ गया कि जब भी डिलेचर इसमें फॉर्म पे करेगी तो क्या एंट्री होगी, डिलेचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। दूसरा केस समझते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है बोन तो फॉर्म ने किया बट पार्टनर ने पे कर दिया। सो दूसरा केस होता है बोन बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। फर्म ने बोन करा बट पे पार्टनर ने कर दिया। जब भी फर्म बोन करेगी, मैंने क्या बताया था, रिलाइजेशन अकाउंट से वो पैसा करे, पैसा पे करेगी, तो रिलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। अगर फर्म ने बोन करना था तो फर्म अपना खर्चा रिलाइजेशन अकाउंट से देगी, एक ही अकाउंट ना रखा है खर्चा करने के लिए रिलाइजेशन अकाउंट। लेकिन इस बार फर्म ने पे नहीं किया, अगर फर्म पे कर दी तो फर्म का कैश या बैंक अकाउंट कम कर देते, पार्टनर ने पे किया। तो जब पार्टनर ने पे किया है तो क्या पार्टनर अपनी जेब से पे करेगा? मैं पार्टनर को कह रहा हूँ मैंने पे करना था मानो 10,000 पे रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा आपके बिहाफ पे, तो क्या अपनी जेब से पे करेगा क्या वो? इसका मतलब क्या है कि फर्म को दखल देने की जरूरत नहीं है कोर्ट में जा जा के धक्के खाने की, पार्टनर पे कर देगा। बट पार्टनर वो जो पे करने के लिए पैसा लेगा वो मेरे से तो लेगा, वो कह रहा है कि मैं आपके बिहाफ पे कर दूंगा, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन पैसा तो दो पे करने के लिए, अपनी जेब से थोड़ी देगा वो। तो हम क्या करेंगे, जो मुझे पैसा अपने कैश या बैंक अकाउंट से देना था मैं उस पैसे को उस पार्टनर को दे दूंगा, वो पार्टनर आगे वो खर्चा करेगा। तो जो पैसा मुझे खर्च करना था जिसके लिए मैंने रिलेशन अकाउंट डेबिट किया है, वो पैसा को मैंने खर्च तो नहीं किया बट वो पैसे को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, उसके कैपिटल अकाउंट में जिस पार्टनर ने वो खर्चा करना है। तो वो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा कि जो मुझे खर्चा करना था वो खर्चा उस कैप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा। समझ आ रही है? जैसे कि उसका नाम है ए, तो ए पार्टनर्स कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। तो नरेशन बन जाएगी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोन बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कि जब भी रिलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बोन करेगी तो भैया रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर वो पे नहीं कर रही है, पे पार्टनर कर दिया, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा सर, अगर इसके बारे में ना जानकारी होती तो फर्म ही पे करते। जैसे मैंने बताया था कि अगर फर्म बोन कर रही है, आगे नहीं लिखा पे कौन करेगा, तो फर्म ही पे करेगी। बट अगर ये लिख दिया तो मैं ये क्रेडिट करूंगा। समझ आ रही बात? चलो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है इसी में ध्यान से समझते हैं। यहां तक हमें समझ में आ चुका है बहुत बढ़िया तरीके से कि फर्म बोन करेगी और फर्म ही पे करेगी तो एंट्री मेरे से बता दी, इसकी बता दी। अब यहां से पकड़ते हैं इसको कि अगर सपोज करता है कि पार्टनर को बोन करना था और फर्म ने पे कर दिया तो एंट्री क्या होगी? तो तीसरा केस बोन बाय पार्टनर। अभी तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, तो यहां से क्या करते बोन बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। ठीक है, बोन बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, यानी कि पार्टनर को खर्चा करना था, ठीक है, जो भी खर्चा करना था वो पार्टनर को करना था, लेकिन फर्म ने कहा कि मैं आपके बिहाफ पे कर दूँ। अगर पार्टनर को पे करना था तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट कब होगा जब फर्म को पे करना था। तो अगर पार्टनर को पे करना था तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करूँगा, क्योंकि वो पार्टनर को पे करना है। तो अगर फर्म ने पे कर दिया है अपनी जेब से
तो फर्म क्या करेगा, उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे लेगा, अपनी जेब से फर्म पे नहीं करेगा, क्योंकि जिसको पे करना था हम पैसा उसी से लेंगे। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा जिस पार्टनर को पे करना था पैसा, और लेकिन पे तो फर्म ने किया है तो फर्म का कैश या बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट फर्म का तो कम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात समझने कि पे किसको करना था। अगर पे भाई सपोज करो फर्म ने पे करना था तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर पार्टनर ने पे करना था तो भैया मैं उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा चार्ज करूँगा, क्योंकि मैं अपनी जेब से पे नहीं करूँगा, उसी से लूँगा, तो उसी से लिया और पैसा मैंने पे कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। क्लियर हो गया बिल्कुल बात, कि जब भी पार्टनर को पे करना था तो पार्टनर से लूंगा पैसा, फर्म को पे करना था तो रिलेशन अकाउंट से लूंगा पैसा। समझ आ रही बात यहाँ तक? ये इस बात क्लियर है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक और अब लास्ट केस समझते हैं कि लास्ट केस क्या हो सकता है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से पढ़ लो, सपोज करो इसमें ये लिखा होता, मैंने क्या बताया कि बोन के बारे में अगर जानकारी ना हो तो फर्म ने बोन करना होगा। ये क्लियर बताना जरूरी है कि बोन कौन करेगा, अगर नहीं पता तो फर्म ही मान लेगा। ऐसे पे के बारे में जानकारी नहीं है तो फर्म ही पे करेगी, इस चीज़ को बस ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कई बार। लास्ट केस क्या होगा, ये वाला, कि बोन भी पार्टनर ने किया, पे भी पार्टनर ने कर दिया, तब क्या होगा? बोन बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, बोन भी पार्टनर ने किया, पे भी। अच्छा सपोज करो बोन भी पार्टनर ने किया, पे भी उसने कर दिया, फर्म का कोई रोल नहीं है, तो ना तो फर्म का कैश या बैंक अकाउंट कम हुआ क्योंकि पे भी उसने नहीं किया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा। पिछले केस में क्या था कि फर्म पे कर रही थी, तो वो फर्म पे करेगी अपने जेब से नहीं करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा चार्ज किया तो उसने पे किया, लेकिन यहाँ तो भैया फर्म ने कोई पे ही नहीं करा पैसा, पे भी उसने कर दिया और पे भी उसी को करना था, तो ना तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो सकता है, ना तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। अगर फर्म को पे करना होता तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होता, फर्म ने पे किया होता तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, बट यहाँ तो कोई भी ऐसा फर्म कहीं पे भी नहीं है, तो इसकी एंट्री हो ही नहीं सकती, नो एंट्री, इसकी एंट्री हो ही नहीं सकती। इसकी एंट्री होगी खाली उस पार्टनर को अपनी बुक्स में करनी होगी, हमारी फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि फर्म का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, फर्म का कोई रोल ही नहीं है, तो एंट्री क्यों होगी? यहाँ पर सारा पार्टनर ने ही अपनी तरफ से ही पे कर दिया उसी को, और पे भी उसी को करना था, तो यहाँ तो मेरा कोई रोल ही नहीं है फर्म का, तो कोई एंट्री नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है, जब पार्टनर को बोन करना होता है और पार्टनर को ही पे करना होता है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं, चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। जरा अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इलस्ट्रेशन एट करेंगे, बहुत ही इसकी कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए इलस्ट्रेशन एट बहुत ही अच्छी है, तो इसको हम समझेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, आपको बहुत काम आएगा ये, कि फर्म को अगर बोन करना होता है तो जैसे मैंने आपको बताया रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट होगा, अगर पार्टनर को बोन करना होता है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके पे करेंगे, तो ये बहुत काम आएगा। अब देखो पहला, फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर 10,000 रुपये। भैया अगर रियलाइजेशन में 10,000 रुपये है, और मैंने स्टार्टिंग में को क्या बताया था कि जब कोई हमें चीज़ के बारे में नहीं पता कि भाई बोन कौन करेगा, पे कौन करेगा, कुछ नहीं पता, तो कौन बोन करेगा? फर्म। पार्टनर पे करेगा। कौन पे करेगा? फर्म। तो अगर फर्म ही बोन करेगी, फर्म ही पे करेगी, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि अगर फर्म बोन करती है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है 10,000 रुपये। समझ आ रही बात? इस तरह से करते हैं। मैं सिंपल अभी सीधा एंट्री आपको अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, नरेशन तो आपको पता ही है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, सिंपल। नरेशन आपकी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कि मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पर जरूरी है। दूसरा देखो,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 पे पेड बाय तरंग। ये देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या एक और चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि आपको बहुत काम आएगा ये। इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मान लो बोन के बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मांग के चलना है? फर्म ही बोन करेगी। अगर पे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर भी क्या मांग चलना है? फर्म ही पे करेगी, सिंपल। तो दूसरा कह रहा है कि रिलैक्सेशन पे 5000 रुपये तरन ने पे कर दिए, एक पार्टनर है। अब ये तो पता ही नहीं कि भैया पे किसको करने थे, बोन किसको करना था। मैंने क्या बताया कि अगर पता नहीं है कि कौन बोन करेगा तो फर्म ही बोन करेगी, और अगर फर्म बोन करेगी तो रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि मान लिया चल दिया हमने कि फर्म बोन करेगी 5000, बट पे किसने कर दिया? फर्म ने नहीं करा। अगर फर्म ने पे नहीं करा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को पैसा दे देगी उसकी कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने आपको पीछे में एंट्री बताई थी। तो तरन नाम है उसका, तो यहाँ लिखेंगे तरंस कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही है, वेरी गुड। तो नरेशन आ जाएगी बींग रियलाइजेशन एक्सपेंसिस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस पेड बाय पार्टनर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट कैपिटल अकाउंट। थर्ड देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 5000 रुपये पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। अब ये क्लियर बता रहा है, किसी के जब हम बिहाफ पे करते हैं तो पे उसको करना था, मदन को पे करना था, बट पे फर्म ने कर दिया। तो अगर मदन ने पे करना था, यानी कि मोहन पार्टनर ने करना था, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो मदन का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा, तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, क्योंकि पे उसको करना था ऑन बिहाफ, फर्म ने उसके बिहाफ पे कर दिया। तो फर्म ने पे किया है, और अगर फर्म ने पे किया है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है? तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे फर्म ने कर दिया तो फर्म का बैंक अकाउंट कम हो गया 5000 से। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर पेड बाय फर्म आया तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है, ठीक है? समझा रही बात? बट अगर ये आया पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब पे तो फर्म ने करना था लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया, तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा था, पार्टनर ने पे कर दिया था लेकिन फर्म को पे करना, तो क्या करा था हमने, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। तो यहाँ पर यही करना है, ऐसा लिख लो, बहुत काम आएगा आपको। नोट्स है ये, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? ये मेरा अपना तरीका है, आप फॉलो करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगी एंट्री इस टॉपिक में, कभी गलत नहीं होगी। आगे देखो फोर्थ वाली, पवन एक पार्टनर है, उसको हमने रेमुनरेशन दे दी, यानी कि उस सैलरी दे दी या कोई कमीशन दे दी, इंक्लूडिंग एक्सपेंसिस 20000 रुपये टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म को डिसोल्यूशन आप कर लो, तो हमने आपको 20000 रुपये दे दिए, लो यार 20000 रुपये आप एज अ सैलरी संभल लो, आप अपना डिसोल्यूशन का कोई भी खर्चा करना है इस पैसे से कर देना। एक्चुअल एक्सपेंस 10000 रुपये हुआ वो कह रहा है, और एक्सपेंसिस इंकर्ड वर पेड बाय पवन। क्या मतलब है इसका, कि पवन को हमने 20000 रुपये तो दिए एज अ रेमुनरेशन के तौर पे डिसोल्यूशन करने के, लेकिन उसने एक्चुअल खर्चा 10000 रुपये का हुआ वहाँ पर, और एक्सपेंसेस पवन ने पे कर दिए। फिर वही चीज, पे करने किसको थे, बोन किसको करना था, अगर पता नहीं है तो हमने क्या मांग चलना है, अगर बोन के बारे में पता नहीं है तो, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, देखो क्या लिखा, बोन के बारे में पता नहीं है तो फर्म को ही बोन करना था, यही मान के चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, समझा रही बात? अगर फर्म को ही पे करना था, इसका मतलब पे उसने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
लैश अकाउंट तो डेबिट होना ही होना जब इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो कितने का खर्च, अब ये समझना है कितने से होगा, कितने से होगा ये समझना है। तो आपको मेन चीज आपको क्या समझनी है इसके अंदर, कितने से होगा। ठीक है, देखो फर्म को पैसा पे कितना करना था, 20,000 रुपये। हमने उसको 20,000 रुपये जमाशन दिए ना, तो 20,000 रुपये ही रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फर्म को तो 20,000 रुपये पे करने थे ना। उसने एक्चुअल में खर्चा कितना किया है वो उसकी सिद्ध कर दी है, हमारी नहीं है। हमने तो अपनी तरफ से 20,000 रुपये उसको दे दिए, तो हमारे कैप हमारे रिलेशन अकाउंट से तो डेबिट 20,000 रुपये ही हुए ना, क्योंकि हमने तो उसको 20,000 रुपये दिए। समझा रही बात, उसने आगे खर्चा कम किया वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका प्रॉफिट है, बट मेरी तरफ से तो 20,000 रुपये चला गया। तो रिलेशन अकाउंट 20,000 से डेबिट होगा, और मैंने क्या बताया था कि जब पार्टनर ने पे कर दिया फर्म के बिहाफ पे, ये भी वही केस है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैड हो जाएगा। तो इसलिए टू पवन का कैपिटल अकाउंट कैड हो जाएगा, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर फॉर टू कैरी आउट दिस सॉल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, उसकी एंट्री नहीं होगी, अब 10,000 रुपये जो खर्चा किया उसने उसकी एंट्री नहीं होगी, वो उसकी एंट्री वो खुद करेगा अपनी। हमने एक्चुअल में उसका कितना खर्चा किया मुझे उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है कि हमने उसको कितना पैसा दिया, हम उसकी एंट्री कर सकते हैं हमने उसको कितना पैसा दिया। समझ रहे बात को, उसने आगे उस पैसे का क्या यूज़ करा वो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बोन फर्म ने करना था तो हमें ये देखना है कि बोन करना कितना था, बस आगे उसने पे कितना कर दिया आगे जाके हमें उसको नहीं पता, हमने उसको पैसा कितना दिया हमने उसकी एंट्री करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वाला कह रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपये के हुए, आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म। अब देखो बोर्न बाय फर्म आ गया तो भैया रिलेशन अकाउंट डेबिट करो फटाफट, सिंपल, क्योंकि अब आप सीख चुके हो कि एंट्री करते कैसे है, अब आप सीख चुके हो कि भाई आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर्ट, जैसे ही समझ में आ गया बोर्न बाय फर्म रिलेशन अकाउंट डेबिट करो 3,000 से, 3,000 से डेबिट करो, क्योंकि 3,000 ही बोर्न करना था, जितना बोन करना था उतने से डेबिट करना है, बाकी का बैलेंस रवि को बोन करना था, तो रवि को बोन करना था, अगर पार्टनर बोन करेगा तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यानी कि रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। समझ रहे हो, क्योंकि आप सीख चुके हो, अब आप सीख चुके हो। कितना डेबिट होगा भैया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 के पे करने थे, मतलब 8,000 के टोटल है, उसमें से 3,000 तो फर्म बोन करेगी, तो 8,000 में से 3,000 फर्म बोन करेगी, तो बचा 5,000 रुपये वो रवि बेन करेगा, तो वो कर दिया। अब बस हमें ये देखना है कि किसने पे किया, आगे लिखा हुआ है 8,000 वर पेड बाय फर्म, पूरे के पूरे 8,000 रुपये फर्म ने ही पे कर दिए, तो फर्म ने पे कर दिया तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट ही ले लेते हैं, टू बैंक अकाउंट। समझिए, वेरी गुड, अब आप सीख चुके हो, बहुत बढ़िया, ऐसे आप सीखो बढ़िया लगेगा, और इस तरीके से करते जाओ कि क्वेश्चन अब कैसा मर्जी आ जाए इस रिलेशन एक्सपेंसेस का, ज़बरदस्त आप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस सिक्स वाला देखते हैं, अब पूरा पक्का करके जाओ कॉन्सेप्ट अपना। सिक्स वाला कह रहे हैं रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपये टू बे बोर्न एंड पेड बाय करण। सर आपने बताया था कि पार्टनर को ही बोर्न करना था, पार्टनर ने पे कर दिया, सर नो एंट्री, क्योंकि भैया उसको ही बोन करना था, तो उसको ही बोन करना था तो उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकते थे, लेकिन पे भी तो उसने कर दिया ना, तो अगर बोन भी उसने ही करना था पे भी उसने ही कर दिया, तो हमारे फर्म का कोई मतलब ही नहीं बीच में। यहाँ पर बोन बाय पार्टनर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट तब डेबिट होगा जब जब पे फर्म ने कर दिया, बोन बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, समझ लो, ये लागे की लिंक भी देता हूँ, बोर्न बाय पार्टनर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट तब डेबिट होगा जब फर्म ने पे किया हो, अगर पे भी उसने कर दिया तो कोई एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि फर्म का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, नो एंट्री। बहुत बढ़िया, लास्ट में एक और देखते हैं, सेवन कह रहे हैं मनोज एक पार्टनर है, उसने डिसोल्यूशन फर्म का कैरी आउट कर रहा है एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 10,000 रुपये, वही चीज 10,000 रुपये की रेमुनरेशन उसने ली
और वो कह रहा है कि भैया मैं डिसोल्यूशन करवाऊंगा, जो भी खर्चा होगा मैं पे कर दूंगा, आप बस मुझे 10,000 रुपये दे दो, उसमें से जो भी खर्चा होगा मैं कर दूंगा, हो सकता है कम खर्चा हो सकता है ज़्यादा हो, बट मेरी जेब से कितना जाएगा, फर्म की जेब से कितना जाएगा 10,000 रुपये, और फर्म की जेब से पैसा जाता है किसमें, रिलायंस अकाउंट डेबिट करके, क्योंकि इसका मतलब जब कुछ ना लिखा हो तो फर्म ने ही बोन करना था, तो रिलायंसेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितने से उसको पैसा कितना दिया, उतने से हमने उसको रेमुनरेशन कितने दिए, उतने से होगा 10,000 रुपये। जैसे मैंने बताया, अगर आगे ये कहता है ना कि 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये खर्चा हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने उसको पैसा कितना दिया, हमें उससे मतलब 10,000 रुपये। टू, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा मनोज, कैपिटल अकाउंट मनोज, मनोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो भैया आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी अच्छे समझ में आए। आगे कह रहा है कि देव एक पार्टनर है, उसको हमने रेमुनरेशन 15,000 रुपये दी डिसोल्यूशन करने के लिए, फिर सर वही आ रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपये बट पेड बाय फर्म। सर कुछ नहीं पता बॉन के बारे में, पे तो कह रहा है वो, बॉन के बारे में नहीं पता सर, रिलेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, अगर बॉन के बारे में सर नहीं पता तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होना ही होना है। अब ये देख लो कि कितने से होगा, देखो हमने उसको 15,000 रुपये दिए, लेकिन आगे क्या कह रहा है, उसमें से 8,000 रुपये फर्म ने पे कर दिए, बाकी वो पे करेगा, बट फर्म ने कितने के पे कर दिए, ये भी इसका भी तो मतलब है ना, क्योंकि अगर फर्म पे करती है तो कैश या बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होता है। तो पहले देखो हमने उसको पैसा कितना दिया, लैश हमने 15,000 रुपये उसको रेमुनरेशन दी, तो इसकी एंट्री तो होनी होनी है, 15,000 रुपये उसको रेमुनरेशन दी, ठीक है, किसको, पार्टनर को। उसमें से 5,000 रुपये तो मैंने खुद से पे कर दिए, तो बाकी तो 7,000 रुपये जो बचे 15,000 में से, तो 8,000 मैंने खुद से पे कर दिए, लेकिन बाकी जो बचे वो किसने पे करे होगे, पार्टनर ने, है ना, ऐसे ही होगा ना, यही होना है, होना है या नहीं होना है, मुझे बताओ फटाफट, ऐसा ही होना है या नहीं होना है, ऐसा ही होना है, सही बात है ना। लेकिन पहले मैंने क्या बताया था कि पूरे रेमुनरेशन जब जितनी दी है तो मेरे तो पूरे पैसे कटे होंगे, पहले रिलेशन अकाउंट तो डेबिट 15,000 से हुआ और उसके कैपिटल अकाउंट में 15,000 पे जाएगी पहले, उसका नाम क्या है, देव, देव्स कैपिटल अकाउंट। ये गलती ना कर देना कि देव के कैपिटल अकाउंट में आप सोच रहे होगे कि 7,000 पे जाएगी क्योंकि 8,000 पे मैंने पे कर दिए 15 में से, नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, ये गलती ना कर देना, ये गलती ना कर देना कि 15,000 में से तो भैया 7,000 मैंने पे कर दिए, 8,000 मैंने पे कर दिए तो उसको 7,000 जाएगा, नहीं मैंने, उसने क्या किया, रेमुनरेशन दिए तो उसको 15,000 रुपये तो मैंने पूरे दिए ना, 15,000 रुपये मैंने उसको पूरे दिए तो उसके तो पहले पूरी एंट्री होगी ना, ये पहली एंट्री होगी। दूसरा केस कह रहा है वो तो कि 8,000 रुपये से 8,000 रुपये मैंने पे कर दिए, अब ये दूसरा केस है, वो अलग बात थी, ये अलग बात है, इसी में फ़र्क है बस एंट्री में, कि 8,000 रुपये फर्म ने पे कर दिए। अच्छा सर 8,000 रुपये फर्म ने पे कर दिए सर, लेकिन पे किसको करने थे सर, पता नहीं पे किसको करने थे सर, सर पे तो फर्म को करने थे ना, क्योंकि भैया मैं फर्म नहीं थे, देखो 15,000 क्योंकि पहले से हमें पता था कि फर्म को पे करने थे, लैश अकाउंट हमने डेबिट 15,000 से करता, क्योंकि और वैसे भी कुछ ना पता हो कि बोन किसको करने थे तो फर्म ने पे करने होते हैं, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, जो 8,000 रुपये का पे किया है फर्म ने वो अलग केस है, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसने बॉन्ड करने थे 8,000 और पे किसको करे है, पे किसने करे है, फर्म ने ही पे करे है सर, अगर फर्म ने ही पे कर दिए तो कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। यानी कि दूसरा केस क्या है कि 8,000 रुपये फर्म को ही पे करने थे और फर्म ने ही पे कर दिए बस, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गलती ना कर देना, कि कुछ लोग गलती क्या करेंगे, लैश अकाउंट 15,000 डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये, टू देव कैपिटल 7,000 रुपये, नहीं ये अलग केस है, वो अलग केस था, बस इसी में फ़र्क ये था, ये गलती ना करना। रेमुनरेशन जब हम देते हैं तो पूरी देते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया रेमुनरेशन जब दे दी तो मेरे पूरे दे दी मैंने, आगे जो खर्चा करेगा वो उसके सिरदर्दी है, ये अलग केस है कि मैंने 8,000 रुपये पे करे, ये अलग रेमुनरेशन, ये अलग डिसोल्यूशन खर्चा हुआ, ठीक है। अगला है हमारा लास्ट, हमारा देखते हैं 9th वाला, आप देखते हैं
तो नाइन्थ वाला कह रहा है लेस एक्सपेंसिव 5,000 रुपये बोर्न बट टू बी बोर्न बाय पवित। तो सर पार्टनर को बोर्न करना होता है तो ये केस बन सकता है, बट हमें बस आगे ये समझना पड़ेगा कि क्या फर्म ने पे करे है। अगर बोर्न पार्टनर ने कर रहा है और अगर पे भी वही कर देगा तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन आगे समझना पड़ेगा कि फर्म पे कर रहे कि नहीं कर रहे। तो 5,000 रुपये तो बोर्न करने हैं पार्टनर है, लेकिन एक और पार्टनर था हितेश। हाउ एवर इट वॉज पेड बाय हितेश, मतलब उस दूसरे पार्टनर हितेश ने पे कर दिए, लेकिन वो इट वॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वो कह रहे हैं कि बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है कि 5,000 रुपये बोर्न करने थे पांडा ने। दूसरा पार्टनर कह रहा है हितेश मैं पे कर दूंगा, यहाँ पर फॉर्म नहीं कह रही इस बार, यहाँ केस ही अलग हो गया। पार्टनर कह रहा है कि दूसरा पार्टनर कह रहा है हितेश एक और, वो कह रहा है मैं पे कर दूंगा आपके। तो भैया वो कह रहे हैं और लास्ट में ये भी लिख दिया कि इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर पार्टनर को पे करना होता है तो मैंने क्या बताया था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर भी पवित का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। भले ही फॉर्म ने पे नहीं करा, इस बार दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया, लेकिन पवित का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा क्योंकि वो कह रहा है रिकॉर्ड करना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर नहीं कहता तो अब बात अलग थी। तो पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट करूँगा 5,000 से, लेकिन इस बार फॉर्म ने पे नहीं किया। अगर फॉर्म पे कर दिया तो कैश या बैंक अकाउंट ऐड कर देता, लेकिन दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया। जब दूसरे पार्टनर ने पे कर दिया तो पवित ने क्या किया, पवित ने कहा कि देखो मेरे कैपिटल अकाउंट से 5,000 रुपये लो और मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे यही होता ना कि भाई अगर मान लो वही चीज़ है ना कि मान लो ये वाला केस, जैसे कि पे फॉर्म ने करना था लेकिन देव कह रहा था कि मैं पे कर दूंगा, आप मुझे दे दो 15,000 रुपये। ऐसे ही हितेश कह रहा कि मैं पे कर दूंगा, पे आपको करना था तो आप 5,000 रुपये आपके कैपिटल अकाउंट से काटूंगा मैं और मुझे दे दो, यानी कि मेरे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, हितेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ये है, कोई भी बंदा अपने खुद से पे नहीं करेगा, अपने अपनी जेब से लेगा वो सामने वाले से जिसको पे करना था। जैसे अगर फॉर्म को पे करना था तो फॉर्म के कैपिटल अकाउंट से ही लेगा, सॉरी रैश अकाउंट से लेगा। ऐसे ही अगर इसको पे करना था तो इसके कैपिटल अकाउंट से काटेगा और हितेश को दे देगा। ये एंट्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।